वालेकुम जहा भाई आज माशाल्लाह आप अभी कहाँ से आ रहे हैं आपको तो पता है मैं कहां से आ रहा कहा रोज हमारा <laughs> रोज तरवियन तो तस्वीर होता है माशा माशाल्लाह आजकल मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी देखता हूँ तो एवरी डे यूरिंग न्यू माशाट कोटे खूबसूरत नहीं मुझे तो लाइव <laughs> कलर डिफरेंट होते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट

आई एम स्ट्रॉग बिलीवर इन दैट मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कुछ करना ही है ना तो आप बेशक थोड़ा लें लेकिन वो लें जो आपके साथ सूटेबल mm. भी हो और आपके पर्सनल के साथ भी जाता हो नहीं वो नहीं। जो आपकी वो जो ना ब्राउन ब्राउन वाली वाली मूवी तारीफ क्या ने ना गेम काफ़ी उठा दी थी सो वैसे सुफाना रमजान आधे से ज्यादा गुजर चुका है और बहुत सारे जाबी फेक यूज़ भी आते हैं कि तोहबा किस तरह हैं? बहुत गुनाह हो गए हैं बहुत जातियाँ हो गई हैं इस हद तक हो गए हैं कि अपने आप से बातें की अपने आप को भी गुनाह कन्फेस करते हुए डर लगता है और uh, यानी ना उम्मीद ही बहुत ज्यादा है कि यार इतने गुनाह भी क्या माफ़ हो सकते हैं और सो आई वाज थिंकिंग कि लेट्स टॉक अबाउट तौबा एंड रिपेंटेंस टुडे एंड हाउ अल्लाह व तआला हाउस रहीम क्या ख्याल है अभी आपका बिल्कुल वाई नॉट आई थिंक ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और अक्सर अवकात हमारे पास जो यंगस्टर्स आते हैं आ, ये सबसे बड़ा सवाल आता है आमतौर पर कि मैंने इतने गुना कर लिए हैं कि अब मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे hmm. और मुझे लगता है कि मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया हूँ और उस पर फिर वो होता है कि दैट लीड्स टू डिप्रेशन एंगजाइटी सेल्फ हेट सेल्फ लोदिंग शुरू हो जाती है क्योंकि इंसान कहता है यार मैंने यू you नो know, मैं वो बन गया हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने नहीं मुझे ऐसा रेस किया था hmm. और मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ ये मैंने क्या हरकतें कर दी हैं और आज ही बल्कि मुझे एक भाई का मैसेज आया जो ये कह रहे थे कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन अगर आप मुझे कोई दवाएं भेजें कोई वजीफे बता दें ये वो तो मेरे का मसला क्या हुआ है? तो कहते हैं कि वही बात है मुझे अपने पास्ट की कुछ गलतियां याद आ रही हैं नॉल दो मैं चेंज हो चुका हूं और मैं अब सही रस्ते पे आ गया हूं लेकिन वो जो पास्ट की मेमरीज़ है ना मुझे इतना हॉन्ट कर रही है कि मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताली मुझे कभी माफ नहीं करेगा तो उनको फिर मैंने यही कहा कि मैंने कहा देखो अल्लाह ती खुद जब कुरने मजीद में कह रहे हैं कि कुल या इजबादिया लजीन असरफो लनफेम ला तकनत में रहमिल इन या फिर ज़ुनू बजमिया कि अल्लाह तौर फरमा रहे हैं कि अय मेरे बंदो जिन्होंने अपनी ज़ात से जुल्म किया अल्लाह ताली की रहमत से मायूस

Uh, अब वो काइंड ऑफ इवन सीधे राह पे आ भी चुके होते हैं एंड hmm. uh, अब एक तरह से तोबा भी कर ली होती है बट दैट ड्रामा जो होता है ना वो स्टिल लिंगर्स ऑन और दैट रियली डिस्टर्ब और बल्कि आज ही एक एक जगह टॉक थी तो उधर यही यही सवाल आया हुआ था कि हाउ डू यू फोगेट द पास्ट पास्ट में जो आपने गलतियाँ की या आपके साथ कोई ज्यादा हुई सो आई वुड लाइक टू थ्रो दैट क्वेश्चन कि यू नो वट इज़ द बेस्ट वे कि आपके जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ या आपने खुद जो गलतियाँ की हैं एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट ना यू आर आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं आप कुरान भी पढ़ते हैं आप अच्छी एक अच्छी लाइफ की तारीख की तरफ आ गए हैं बट स्टिल दैट दैट पास इज़ हॉन्टिंग यू हाउ डू यू गैट हाउ डू गैट ओवर देट लेकिन वो जल्ला कुरान में फरमाते हैं ना कि अला इन्ना उलिया अल्लाह लाखनसन कि जो अल्लाह के वली है ना वो ना गम करते हैं और ना खौफ करते हैं तो गम जो है ना वो पास्ट का ही तो होता है इंसान हमेशा पास के बारे में गम करता है काश ऐसा ना होता काश ऐसा ना होता काश मैं यहाँ ना जाता काश मैं ये काम ना करता तो वो गम उसको ना बहुत रोकते हैं उसको एक तरह से ना मतलब आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं वो बेसिकली हम कहते हैं दे आर डेलिंग इन द पास्ट वो पास में रह रहे होते हैं लेकिन फिर खौफ क्या होता है फ्यूचर का खौफ होता है कि मुझे ये हो जाएगा मुझे कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा मुझे कोई बीमारी लग जाएगी मैं कामयाब नहीं होगा मैं फलां जगह दाखिला नहीं होगा तो अल्ला फरमान है कि जो अल्लाह के वली हैं ना वो इन दोनों चीज़ों से फ्री हैं और ये जब इनकी वफात होगी तब इनको फरिश्ते कहेंगे कि अलैहिम यानी उनको तब mm -hmm. फरिश्ते कह रहे होंगे कि आज mm -hmm. आपको कोई ना डरने की जरूरत है ना गम करने की जरूरत है तो आई थिंक वन ऑफ वन ऑफ द थिंग्स इज के यू नो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट यू जस्ट हैव टू मूव ऑन देखो अगर उसमें कोई खैर होती ना तो हम कहते हैं कि यार आप पास में ड्वेल करें जिस तरह वो कहते हैं ना दर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क अब दूध गिर गया अब आपके रोने से अगर वो वापस आ जाता तो मैं कहता कि यार आप रोएं ठीक है लेकिन अगर वो मसला आपके रोने से हल नहीं होगा तो थोड़ा सा रैशनली सोचें कि यार यू हैव टू मूव ऑन अदरवाइज आप जो है ना एक मेंटल पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे आप hmm. आगे जाने वाले नहीं रहेंगे और वो आपके लिए ना दुनिया के लिए अच्छा है ना आखिरत के लिए अच्छा सो एट सम पॉइंट यू हैव टू रियलाइज के आई नीड टू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट और कीपिंग इन माइंड के जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है मैं माफ़ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इतनी सारी अहदीस मौजूद है जहाँ पर हमारे जितने बड़े मर्जी गुना हो जाएं, तो अल्लाह तला आपको उससे बड़ी मफरत दे सकता है तो फिर उन चीज़ों से ना थोड़ा सा मूव करना पड़ता है जब ये भी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने वाकई में ना तोबा की हो और अपनी लाइफ चेंज की हो यानी जिसने अभी तक जो भी तक डोल करा ना यानी वो बीच बीच में मजहब जबी अब इन नजाले के बीच में है कि कभी हो जाना वो एम टी वी और क्यू टी वी के दरमियान फंसे होना ठीक है <laughs> तो वही जो चक्कर होना है तो वो बंदा फिर कहता है कि यार अभी तक मैं चेंज नहीं हुआ पता नहीं मेरी तोहबा एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई और वैसे ये ये यानी वैसे ये जो है ना कि आई एम ए सीनियर वर एटीट इट इज़ समाउ पॉजिटिव इन इस्लाम कि मुझसे गुना हुआ एंड दिस इज़ अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि अल्लाह इंसान अल्लाह ताला के सामने ना अपनी कमज़ोरी और कोताही का ऐलान करता है कि अल्लाह मुझसे मैं फिसल गया मैं बड़ा गुनागार हूँ और अदीस के तो ऐसे भी आते हैं कि अल्लाह इन्नी मुस्तजीर मैं फ़कीर गरीब हूँ टूटा टूट चुका हूँ मैं जलील हूँ आपके सामने hmm. तो हम्बलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है hmm. लेकिन वंस यू है मूवड ऑन और आपकी आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई है एंड वो कहते हैं ना कि आ,

<laughs> क्या माफ अपने किया अपने आप को या नहीं जी जी, 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 जी माफ़ जब अल्लाह सुबहान तला अल्ला कर सकते हैं हाँ। तो हम कौन होते हैं है। एक अपने आप को माफ़ ना करना और अल्लाह तो माफ़ नहीं करता अल्लाह तो आपको आपके जो गुनाहों को नेकी में बदल देते हैं कुरान की आयत बिल्कुल है कि वो अल्लाह सुबहान तला अगर आपने गुनाह किए तो अल्लाह सुबान तला में कहते हैं कि मैं आपके गुनाहों को नेकी में बदल देता हूँ अगर आपने तोबा कर लिया तो so, uh, <coughs> uh, बाकी है कि यस एवरी पर्सन सेंस एवरी पर्सन अर्स हर कोई गुनागार है इस नबी इसम की हदीस है कुल्लु बनी आदम ख़त व तबून के एवरी सन ऑफ़ एडम मेक्स मिस्टेक्स एंड द बेस्ट ऑफ दोज हु मेक्स मिस्टेक्स आर दोज रिपेंट तो uh, ख़ाएँ गुनाह सबसे होते हैं लेकिन uh, अगर वहाँ पर अगर हम फुल स्टॉप लगा दें ख़ताओं के बाद और उससे तोबा ना करें दैट्स द प्रॉब्लम जहाँ पर हम हमें आज डिस्कस करना चाहिए कि गुनाह हो गए अब व्हाट्स द वे बैक नाउ तो अलहमदिल्ला जब गुनाह हुए तो गुनाह उसके बाद लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई डिस्टर्बेंस आई तो दे वाज ओनली टू टू वेज़ इन फ्रंट ऑफ मी इधर आई हैड टू कम बैक और या फिर मैं उसी गुनाहों के दलदल में और बह जाता और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता तो अलहमदिल्ला एज अ सेम पर्सन जो कि समझदार आदमी हो अल्लाह होमान तआला ने जिसको विजडम दी हो और अल्लाह सुमान तआला ने सबको एक इंटेलेक्ट दिया माइंड दिए टू थिंक

होता है ना जो रो रो के अल्लाह ताला के सामने वो वो तो ब्रेकअप था ना नहीं नहीं ब्रेकअप नहीं था ब्रेकअप नहीं था ब्रेकअप <laughs> नहीं था इनफैक्ट वो कहने you know, uh, के लिए बट यू नो मोहसिन से शुरू करते हैं जो मैं जिक्र कर था टॉपिक is... बदलने की कोशिश कर रहे हैं सूरह फुरकान अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं नाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फाउलाइका युबद्दिलु अल्लाहु हसनात हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीम एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट कि अल्लाह सुब्हानहु व जिनको यानी कि इससे पिछ इससे पीछे एक पूरा सब्जेक्ट चला आ रहा है एंड बिलीव एंड डू राइचियस वर्क जो लोग ईमान लाए उनके बाद ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल किए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप रिपेंटेंस के स्टेज पे होते हैं ना गुनाह छोड़ देते हैं तो गुनाह छोड़ने के बाद आपको ना कुछ अपने ऊपर आपने काम करना होता है और वो काम क्या है आपने यू हैव टू डू राइचियस वर्क यू हैव टू डू गुड एक्शंस तो जब आपके गुनाह हो गए गुनाव के बाद आप बाप ने कहा कि यार नहीं मुझे अब वो रास्ता छोड़ना है तो रास्ता छोड़ने के बाद नाउ यू हैव टू डू 180 डिग्री अपोज़िट कि अगर लेट्स से पहले मैं नमाज़ नहीं पढ़ा था मुझे नमाज़ पढ़नी है पहले अगर मेरी आ, कोई और हराम काम थे मुझे छोड़ना है हलाल की तरफ़ जाना है तो अल्लाह सुमान तरह इतने गफूर रहीम है कि वो जो आपने गुनाह किए थे गुनाह किए थे वो भी निकियों में बदल देते हैं उसके ऊपर मुझे एक वो स्टोरी याद आ गई हमारा भाई दोस्त है वो अपनी गुनाहों की पीक में था तो वो इतकाफ़ इतें बैठ गया तो जब इतकॉ पर बैठ गया तो उस इतकाव में ना वही टू तो स्मोक तो उससे वोट तो नहीं नहीं वो उस वक्त यानी कि मस् उस वक्त वीट पे भी था लेकिन वो स्मोकिंग करता था तो मस्जिद में इतवा बैठ गया तो वो बहुत ज़्यादा अर्ज हो वो हो रही थी तो तो ना वो वॉशरूम में जाके के के दौरान सिगरेट पी लेता था तो उसके बाद अलहमदिल्ला उसकी लाइफ में बहुत तगड़ा माशाल्लाह चेंज आया अलहमदिल्ला वो फिर चेंज नहीं हुआ तो फादिल माशाफा तो so, उसके बाद ना फिर हमने एक दफ़ा उसी मस्जिद के शेख से हमने पूछा हमने शेख साहब वो लड़का था वो ना आ, मस्जिद में इतार सिगरेट भी पिया था वो पीता था उन्होंने कहा उसके वो वे गुना निके में बदल है तो यानी कि अगर वो उसने उसके बाद क्या कि उसने उसके बाद रिपेंटेंस किए अपने आप को बदला अच्छे अमाल किए राइच एक्शन किए अला सामान तला ने सब जो पॉइंट मैंशन किया ना कि वही शख्स अपने पास को भुला सकता है और बेपरवाह हो सकता है यानी बेपरवा तो कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ममा काना रबू काना सिया हुँ, रब हुँ। कभी नहीं भूलता तो उसल कहते हैं बेपरवाह कभी भी नहीं होना पास्ट के गुनाहों से तोबा और सारी ज़िंदगी करते रहनी है लेकिन कम अज़ कम उम्मीद वो रख सकता है अल्लाह ताली से एक पॉजिटिव थॉट रख सकता है जिसने बिहेवियर में यानी वो चेंज किया और जैसे वो शतब बिन महमूद रद्रोतान हो सहबी रसूल है और बूढ़े हैं शदीद अल्लाह के नबी के पास है और कहा या रसूल वसम और वो ना यानी अपनी लाठी पर आए खैर सला सब गुनाह किए हैं और फिर रिपीट किया कोई गुना छोड़ा ही नहीं है माफ़ हो जाएंगे तो आपने कहाँ हो जाएंगे सच्ची तो आपा करो और कुछ अमाल बताए ये करो तो सब के सब गुना माफ़ हो जाएंगे सिर्फ माफ़ नहीं होंगे यब्बुल्लु सयातम हसन तो वो ना वापस बस नबी से जब जा रहा था ना साहबा कहते हैं कहते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए निकल रहा था और डॉक्टर फज़ल भी एक वाक्य सुनाते हैं जिसमें एक शख्स ने गालिब उनसे पूछा कहते हैं कि शेख मैंने पिछले चालीस साल से नमाज नहीं पढ़ी पास्ट फोर्टी ईयर्स आई हैवन प्रेड अ सिंगल प्रेयर और मेरी उसकी कोई एज थी अराउंड सिक्सटीज में था वो तो कहते हैं कि अगर शेख आज के बाद मैं ये तहिया करूँ और इरादा करूँ कि आज के बाद मैं पाँच वक्त की नमाज शुरू करूँगा तो क्या अल्लाह ताला मेरी जो पास्ट की नमाज हैं उनको माफ़ कर देंगे या मुझे दुरानी पढ़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी तो शेख ने कहा अल्लाह तिरफ माफ़ नहीं करेंगे अगर तू अपने वादे में सच्चा है और मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगा ना तो अल्लाह तला तुम्हारे आमाल लामा में पिछली चालीस साल की नमाजें बाजमात लिख देंगे कि ही हैज़ बीन प्रेइंग फॉर द पास फोर्टी इयर्स अल्लाह अकबर हाउ ब्यूटीफुल सही बात इससे यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ऐड कर दूँ कि ना कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो व्यूअर्स है ना उनको ना कभी कभार ऐसी मोटिवेशन दे, दे देते हैं हम लोग कि वो कहते हैं यार ऐसी कित ऐसी अब जो है ना ये कोई चालीस एक साल बगैर नमाजों के रहते हैं और फिर तौबा तो कर लेंगे यानी कि ना हमेशा मुझे लगता है कि जब भी हम लोग ये टॉपिक ऑफ रिपेंटेंस छेड़ते हैं ना तो इसमें ना ये एक बैलेंस वाला पॉइंट हमेशा बड़ा, बड़ा जरूरी है क्योंकि अदरवाइज ना बड़ा इतनी उम्मीद डाल देते हैं कि लोग जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं जैसा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना अपने एक सहाबिक को जब ये कहा था ना कि जिसने भी आखिरी कलमात जिसके ला इलाहा इल्लल्लाह हुए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो

अल्लाह ताला माफ कर सकता है कभी भी शैतान को अपने ऊपर इतना गालिब ना होने देना कि शैतान तुम्हें इस भेकावे में डाल दे कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा सो hmm. so, हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह माफ करने वाला है। बैक हैविंग सेट दैट ये बात भी ट्रू है कि इतना भी इंसान शैतान के बहकावे में फिर ना आ जाए कि वो बुके अभी तो मैं गुनाह करता हूँ अल्लाह ताला रहमान और रहीम है गफूर और गफार है अब चलो यार अभी चलते रहो गुनाह करते रहो बस ऐसा करेंगे ना जब फिफ्टी सिक्सटी ईर्स पे आएंगे तब जाके वो उसी उसी साहबी की तरह हम लोग तौबा कर लेंगे या उन साहब की तरह जो कि डॉक्टर साहब के पास गए थे उनसे उसकी तरह हम भी माफ़ी मांग लेंगे द पॉइंट इज़ कि ये भी शैतान का बेकाब है बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि आपकी डेथ कब लिखी हुई है और आपको नहीं पता हमें तो तौबा का अगर मौका मिल गया तो तोबा का टाइम आ जाए यानी फिर कल परसों तक भी डिले करने की जरूरत नहीं है तो कभी कभार शैतान आपको ना यहाँ पर करता है कि आप सही रॉचस एक्शन को डिले

अल्लाह सुपान तला हमें सबको हिदायत पर रखे इस्तकामत पर रखे और जिस तरह हदीस है ना कि इंसान का जो दिल है वो कभी भी बदल सकता है और इसलिए दुआ मांगनी चाहिए मुकल बिल्कुल उसब कल भी आला दीन है कि दिल अल्लाह सुन्द से हम दुआ मांगते हैं या दिलों को फेरने वाले मेरा दिल दीन के ऊपर

तो मैं इसको जोड़ के आया तो उस टाइम पार्टी यानी लाइफ का बिल्कुल पीक था जाबी उस टाइम पे ना बेसिकली हम फिर हुआ ये कि पार्टी ऑन थी जाबी ये वहाँ चला गया इससे मैं फेसबुक मैसेंजर पे बात हुई थी तो इसने कहा था कि यार मैं तो यहाँ मजा आ गया है यहाँ मैं नमाजें पढ़ा हूँ मेरी फजर की नमाजें पढ़ रहा हूँ मैं हैरान मैंने कहा ची मैं फजर की नमाज तो इसने मुझे कहा चेंज हो जा यहाँ बड़ा माहौल है और ये तो वो है और सारा अच्छा मैं मेरा भी जब जब एक्सीडेंट हुआ सही मैंने कहा कि भाईजान मैं चेंज हो रहा हूँ ठीक है इसने इसने कहा चेंज हो रहा है ठीक है इसने कहा तू क्या चेंज हो रहा है मैं चेंज हो रहा ठीक है तो मैंने कहा चीमे मैं कसम उठा रहा हूँ चेंज हो रहा हूँ तूने चेंज हो क्या आना है कहते ठीक है भी जब मैं मैं तो चेंज हो गया मैं सीरियस थी, था आज के दिन बारह साल हो गया अच्छा मैं मेरी हल्की सी दाढ़ी बिल्कुल हल्की सी दाढ़ी रखी हुई थी यूनिवर्सिटी में था ये जब आया ना मुझे देख हैरान हो गया कहते हैं मतलब निक नेम लिया तुझे क्या हो गया मैंने तो मैंने कहा था चेंज हो रहा हूँ तो अच्छा। <laughs> तो ना ना तो, अच्छा, तो क्या करे बंदा तो आई ऑलवेज मुझे ना हमेशा ये बॉयज यूथ के लिए मुझे हमेशा एक सॉफ्ट हार्ट रहता है लेकिन हमदुल्ल मैं जो आप बात कर वो रहे थे जब हम चेंज हुए ना उस वक्त अहमदुल्लह हम जवानियों की अपनी अभी भी जवान है माशा फिट हैं पीक पर थे आई हार्डली हार्ड फेश हाँट तो ये भी चेंज हो गए हम भी चेंज हो गए पच्चीस साल की उम्र में आपने क्या देखा होता है जिंदगी जब हम चेंज हुए ना उस वक्त भरपूर जवानी थी आ, हर किस्म की एवेन्यूज खुले हुए थे एंड यू नो वट वट एवर काइंड शुगल दैट वी वॉन्ट डू हम वो कर सकते थे hmm. लेकिन जिस तरह मैं बताऊँ कि uh, अंदर से ना दिल बिल्कुल काला था बिल्कुल खुशी नहीं थी सुकून नहीं था कोई भी गुनाह करते थे रात को आके रिग्रेट होता, रिग्रेट होता था रिग्रेट होता था रिमोर्स फील होता था अंदर से खुशी नहीं थी हमने कहा यार ऐसी ज़िंदगी भाड़ में जैसी जिंदगी हमें इस तरह की ज़िंदगी चाहिए नहीं हमें वो चाहिए ज़िंदगी जो अल्लाह साल के अबूदियत के अंदर गुजरे जिसके अंदर पीसफुल यानी कि पीस हो ज़िंदगी में सुकून हो और अलहमदिल्ला वो सुकून हमें मस्जिदों में मिला हाँ। वो सुकून हमें अतकाफ़ में मिला याद है हाँ। इतकाफ़ में बैठे थे दो दो तीन दिन का हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए थे मैं <laughs> क्या क्या, <laughs> क्या 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 वादे हम लोगों ने कर लिए थे कि अल्लाह के रस्ते में बस ये तो वो हमें सुकून ना असल में रियल न और का, का, किदर, 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 फाइव स्टार खाने खाए hmm. और लेकिन जब हम खाना मिल के तीन चार लड़के नमाज के बाद इकट्ठे खाना खाना जो, जो मस्जिद के सहन में और वो, वो एक चार पांच लोग मिल के जब खाते थे ना उसको अपने हाथों खा के एक ही जग से पानी पीना एपिक तो वो ना हमें अंदर से ना उसने बिल्कुल हमें अंदर से कहते ना हम्बल कर दिया कि यार ज़िंदगी यही है तो अल्लाह सुबहान तला फिर दिलों में सुकून डाल देते हैं और जिसने जिस तरह इमाम इब्न तैमिया का कॉल है ना नफ़ी दुनिया जन्ना मन लम लमियत खुलियत खुल जन्नत आखरा कि अल्लाह सुबान तला ने इस दुनिया में भी जन्नत बनाई हुई है जो उस जो इस दुनिया की जन्नत में दाखिल ना हो सका ना वो आखिर की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा सो दिस वो ये हमारे शेख थे उन्होंने ट्वेंटी थर्टी ने मुझे ये वाला ना कॉल बताया अभी तक ना फंसा हुआ मेरे दिल में जमाव है hmm. यह है कि जो दुनिया की जन्नत है ना दैट इज इज़लब शरीम जो hmm. दुनिया की जन्नत दैट इज़ इबादत दैट इज़ पीसफुल यानी कि पीस ऑफ योर हार्ट कंटेंटमेंट ऑफ़ योर हार्ट यानी कि जो अल्लाह सौला अल्लाह ज़िक्राई तत्म इन्होंने को लूँ जो और जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं अल्लाह के दीन पर चल रहे होते हैं वही इस दुनिया की जन्नत को चख लेते हैं अलहद और फिर वो रेजनीट करता है एंड बात ये थी कि फिर मेहनतें भी हुई हैं अभी भी ये है कि उस वक्त मुझे याद है कि कोई भी लेक्चर होना तो यूं करके पहुंचना यार क्यों hmm. क्योंकि ईमान का डोज चाहिए होता तो hmm. फितने इतने ज़्यादा थे ना राइट लेफ्ट सेंटर थे कि अगर हमें ईमान को बढ़ाना है बढ़ाते चलना है तो वी हैड टू बी देयर एट एवरी प्लेस मुझे hmm. याद है दो हज़ार बारह में जब आपने मुझे टू थाउजेंड ट्वेल्व दिसंबर में यूथ क्लब का पहला हुडी दिया तो उस वक्त आप शामिल हो चुके थे आपने बुलाया हुआ था तो जब गिफ्टेड मी दैट हुडी हुडी ऑफ आई स्टिल स्टिल हैव दैट विद मी हुई मीटिल आपके पास भी है सो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट टू मीट पीपल और उसके बाद ये था कि यार कोई भी एक्टिविटी हो वाई सी की ना बस पहुँचो बस पहुँचो खैर का काम है पहुँचो क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट वर्ल्ड जिसके अंदर गुनाह बदकारी और जो फजू फजूलियाती तो हम लोग हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बबल में फिर हम एक बबल मिला जहाँ पे हम लोग ने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया एक दूसरे से जो जो भी भी आप आप तो को को भी हमारे प्रॉब्लम्स वो शेयर हुई मामले में ना कि दो दोस्त मतलब आप इकट्ठे चेंज हो जाना ये भी बड़ी अल्लाह की है बिकॉज चेंज होने में एक बड़ी रुकावट दोस्त ही होते हैं ना बिकॉज आपको लग रहा होता है यार मेरे सारे दोस्त छोड़ने पड़ेंगे एंड यू हैव टू लीव एवरीबडी एंड आप सोचते हो कि यार कौन फिर मेरा दोस्त कौन होगा

यानी प्यासा हुआ था हाँ, मैं उस दिन हाँ। सुबह भी आ, शेख खलीर उम्मचिश्ती का अलफला मंजिल में जो है ना बजान के अटेंड करने गया था और दिन में भी लेक्चर था मुझे एक और मैसेज रिसीव हुआ कि यार ये है कुछ तफसीर तफसीर घर में, में, में हो रहा था मैं घर पहुंचा मैंने कहा ये घर किसका है ठीक है ये भाजन कौन है अंग्रेजी मार रहे हैं और अभी तो मैं एंटर नहीं हुआ था ना अच्छा मैं एंटर हुआ अंग्रेजी घर में मेरे घर घर में में था ठीक है मैं एंटर हुआ होता है <laughs> सही बात है अच्छा मैं एंटर हुआ मेरे पास वो आईपैड था मैं आईपैड पे नोट्स बनाता था उस टाइम पे तो मैं ना 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 दुण 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 यह यह तो आपने कभी यूनिवर्सिटी में नोट्स बखूर और खुशबू रूम में थी और इंग्लिश के जो थर्टी पारा की वो फिर लेक्चर दे रहे थे

तो लाइफ बिकम्स इजी अच्छा मैं आपको एक और मैसेज बताता हूँ हमारे एक बड़े प्यारे भाई नौशेवान माशाल्लाह बड़े अच्छे भाई हैं उन्होंने मेरे से अभी कल परसों की बात है दो तीन दिन पहले मेमोरी शेयर की मंडे को शेयर किया और ये मेमोरी उनके फेसबुक थी। तो इन्होंने शेयर किया इलेवन इयर्स को और ये लिखा हुआ है alaykum, today, 5 का दिया ओ, तो उन्होंने शेयर किया ग्यारह साल पहले की मेमरी और ये उस पर गालिबन उन्होंने अटेंड किया था तो ये आई थिंक उनके घर पर ही हुई थी ये क्लास तो ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जहां पे देर वॉज नो यूथ क्लब देर वॉज नो नथिंग एंड उस टाइम पे हमारे लेक्चर इसी तरह से कोई मेरे घर में हो रहा है कोई किसी और घर में हो रहा, रहा है के पे भी होता था, वो जो एक, लेना शुरू की थी बिल्कुल, उनकी बॉयज की क्लास थी वो तो शुरू की थी सो आई थिंक ये जो भी मौसम आपने बात किया ना कि असल में ना मेन जो चीज़ है ना वो आपके ऊपर होना सोता है कि आप कितना फुर्ती दिखाते हो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए और मुझे खुद याद है कि जब मैं खुद चेंज हो रहा था ना तो मैं इतना कोई डेस्परेट हुआ हुआ था नॉलेज के लिए कि मैं किसी शेख की कोई क्लास ही नहीं छोड़ता था mm -hmm. यानी कि आप समझ लो कि किसी के साथ फजर के बाद बैठ रहा हूँ किसी के पास ज़ोर के बाद बैठ रहा हूँ असर के बाद मगरब के बाद क्योंकि सिर्फ एक दिन था मंडे का जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और मैंने अपनी सारी क्लासेज एक दिन में कंजस्टेड करके रख दी थी बिकॉज आई टोल्ड दैम कि देर इज़ नो अदर मे मेरे पास कोई दिन ही नहीं है इसके अलावा बस मंडे का दिन ही है जितनी क्लासेस करवानी करवा लो तो मैंने स्पेशल एक्सेप्शन लेके हालांकि किसी को अलाउड नहीं था थ्री थ्री आवर्स की मैं तीन क्लासेस लेता था हालांकि वो कहते थे नहीं इसको आप ब्रेकअप करें टू hmm. द फुल वीक मैंने कहा था फुल वीक हो ही नहीं सकता मैं एक ही दिन में करूंगा तो उन्होंने ख़ैर एक्सेप्शन करके मुझे दे दिया बाकी जो पूरा था ना लाइक सिक्स डेज वीक वो सिर्फ मेरा मुशाह के साथ होता था hmm. यानी सुबह जाना शाम में उस टाइम पर ना मैं बिल्कुल अकेला था अब यकीन करो आई हैड लिटली नो कंपनी एक्सेप्ट कंपनी विद द स्कॉलर मेरे कोई ना दोस्त ना कुछ थे बिकॉज में तेने तना ही निकला हुआ था hmm. और उस टाइम पर कुछ मतलब ऑब्वियली फ्रेंड्स बन गए मस्जिदों में जहां जहां पर जाता बैठता सलाम तो आगी बट इवन दो पीपल वॉट यानी पीपल आई वुड हैंग आउट विदिनी नहीं था कि उनके साथ मेंग आउट करो चाय चाय वाले नहीं थे।, थे ना hmm. क्रिकेट वाले थे ना फुटबॉल वाले फुट कोई भी नहीं था सो so, अलहमदुल्ला हुआ यह कि जब यूथ क्लब की फॉर्मेशन हुई है तो आई गॉट हल्का जो मेरा हो रहा था ना जो मैं क्लास ले रहा था अच्छा। अपने घर में इस तरह से तो उनको पता था कि भाई कुछ क्लास ले रहे हैं कुछ हो रहा है तो वहाँ से मुझे फिर बताया कि जी इस तरह से आप जो है ना वो इसको ज्वाइन कर लें या आ जाए कुछ कर लें और देखें कि अगर आप टाइम निकालते हैं तो फिर वहाँ से मेरा काम शुरू अदरवाइज तो इट वो दिखाना चाहूँगा अगर आप मेरे साथ रहें ये जो ये बेसिकली जो अभी हमारे प्रॉप्स में है ये जो कैमरा है ये बेसिकली पहला यूज क्लब का कैमरा था जो ज्याभ ने लिया था अपना वाइफ का बेच के।, के ये ये तो मैं, मैं आपको बताऊं ये जो कैमरा है ना हाँ। ये कैमरा मैंने व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ए मैंने क्योंकि मुझे पता वो था वो लेक्चर्स हो रहे हैं रिकॉर्डिंग्स होती हैं अपलोड करना होता है तो ये मैंने आई सोल्ड माय वेडिंग रिंग माय वाइफ सोल्ड हर वेडिंग रिंग आई सोल्ड माई प्ले स्टेशन एंड पुट इन सम एक्स्ट्रा मनी एंड वी गॉट दिस कैमरा और इस कैमरे के साथ सिर्फ इश्यू यह था कि hmm. इस कैमरे को जो है ना वो इसके साथ माइक अटैच होता था बिकॉज नॉर्मली जो पहले जो हमारे हैंडी कैम्स होते थे ना छोटे जो कैमराज होते हैं उनके साथ ना वो ऑडियो इनपुट नहीं था तो पहले मेरे कुछ लेक्चर्स नॉर्मल जो हैंडी कैम्स होते हैं उस पर रिकॉर्ड हुए थे तो उसमें यह था कि लगता है कि इंसान ना वो कुएं में से बोल रहा है क्योंकि वो इतनी दूर से आवाज होती थी कि वो इट वॉज रियली नॉट मेकिंग सेंस एंड वॉज नो पॉइंट रिकॉर्डिंग इट बिकॉज वो ऑडियो इतना बुरा था तो ये जो था ना फिर बड़ा ढूंढ ढांड के पता चला कि नहीं इसके साथ वो आप ऑडियो इनपुट अटैच करते हो एंड दिस इज एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड की बात है और, और उस वक्त में ये yeah. ढाई ढाई लाख रुपए का ये भी एक कैमरा क्या, कैन का देखें ये ये कैमरा होता था हमारा पहले दिस वॉज द कैमरा और इसके अंदर ना ऑडियो इनपुट मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है माइक इम्पोर्ट बल्कि इस वाले में है ये भी बल्कि ये भी एडवांस वाला है कभी दिखाऊंगा आपको ये लेवल टू का कैमरा था कि जो जब हमने कहा कि एडवांस हो गए और अब एक छोटा सा हैंडी कैम आ गया तो हमारी शुरू के वीडियो जो है ना वो इन चीजों पर बने हुए बल्कि वो जो मशहूर जमाना हमारा एक वीडियो है कुर्बानी का बकरा वाला वो आपको पता है पूरा वीडियो आप तो उस वीडियो में बड़ा आपने हीरो का रोल प्ले किया और ये भी उसमें थे ये भी उसमें विलन का रोल थे वो वीडियो वो जो वीडियो था वो आईफोन फोर पे रिकॉर्ड हुआ था बिल्कुल शॉर्ट एडिटेड रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो सारा कुछ आईफोन फोर पे हुआ था बल्कि मानते हैं की को? आपने वो एक प्रोमो हमने बनाया था F8 में।

कि यार वो मेरे मैं बैठा था उनके साथ hmm, और मैं मैं हाँ। उनको छोड़ के ना बट वो कहते कि मुझे भी जाना है बेटा घर जाओ अच्छा मैं आपको आ, वेन मेरे जो अपने टीचर हैं जो ना डॉक्टर फजिल है उन्होंने मुझे कब नोटिस किया था hmm. आ, इसी तरह से मैं उनका दर्श तो मैं कब से अटेंड करा था और इसी तरह से डॉक्टर सुहेल के साथ तो मैंने पकाया टाइम लिया हुआ था उनके साथ हम लोग बैठते थे अलुलू बनभ जान हम अकेले मैं और एक और लड़का था बस दो लोग थे हम हम अकेले पढ़ते थे उनसे तो Uh, जारी बात है उसमें पे होता था कि हमारा पढ़ाना भी पढ़ना पढ़ाना चलता था और साथ साथ ये कि आई वुड आस्क हिम लाइक अ मिलियन क्वेश्चन तो वो एक हदीस पे ही ना हम अड़ जाते थे बस क्योंकि मैं कहता था आगे जाने ही नहीं जब तक कि इसमें एक एक पॉइंट को मैं हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि यहाँ पर यह क्यों जिक्र हुआ ये क्यों जिक्र हुआ बिकॉज मैं भी अपना ना दिमाग हो रहा था और मैं आपको बताऊँ कि uh, उस इस प्रोसेस के अंदर एक अपनी लज्जत है जी जी मैं बताऊँ देर इज देर इज़ अ ब्लेसिंग इन सीकिंग नॉलेज एंड आई रिमेंबर कि एक हमारी क्लास एफ सिक्स में एक मस्जिद में होती थी सुबह के टाइम वीकेंड uh, पे एंड दैट यूज़ टू बी वीकेंड पे सुबह uh, तकरीबन आठ बजे के करीब या उससे भी पहले शायद साढ़े सात बजे यानी लिटरली फजर की नमाज के घंटे दो घंटे बाद बस वो क्लास शुरू होती थी और उसमें भी जो शेख थे वो uh, बाकायदा तौर पर हमें बिठा के नोटबुक्स के साथ सारा कुछ करते थे और उसमें वो सबसे पहला मुझे याद है जो उन्होंने लेसन दिया था वो इसी बात पे था कि मैनर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट ऑफ़ नॉलेज के यू नो व्हाट इट डज़ इट टेक टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज किस तरह से आपने अदब के साथ करना mm. है एंड ऑल दैट तो डॉक्टर फजल लाई ने मुझे कब नोट जो ना मतलब नोटिस किया कि उनका सुबह के टाइम फ़जर की नमाज के बाद दर्ज होता था कोई उनकी अपनी किताब होती थी जिसको mm. वो एक्सप्लेन करते थे सुबह फजर mm. के बाद आई वॉस देर अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन उन्होंने पहले से बताया हुआ था कि उनका मरी में एक जगह पर दर्ज था और उन्होंने बताया था कि जी वहां पे होगा और उसके बाद जोहर की नमाज भी उधर ही होगी तो उधर मैं पहुंच गया सो so, मेरा वीकेंड था तो सुबह के टाइम पहले क्लास हुई फिर वहां उधर वहां, वहां पर क्लास हुई उसके बाद जब वापस आए तो गालिबन में उन्हीं का दर्श जी टेन में एक मस्जिद में था वहां पर मैं मौजूद था उसके बाद ईशा की नमाज उनके अपने वहाँ पर थी उधर पर दर्स था एंड सो so, पूरा दिन मैं था और फिर ईशा की नमाज पे ना दैट्स मैन रियलाइज कि यार ये बंदा तो सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रहा है

उस टाइम हमारे पास ऐसे पॉडकास्ट नहीं थे हुँ। हुँ। पास होते ना, हमारा ट्रांजिशन का फेस बड़ा जबरदस्त होता है हम, हम ये सब सुनते और सारा आपको एक छोटा सा मुझे एक वेबसाइट जब मिली थी ना जिसमें कुछ इस्लामिक लेक्चर कॉन्टेंट थे उस दिन मैंने शुक्राना के नफल पढ़े थे और वो हमने वाली जो वेबसाइट है ना वो सब सब वो हमारे लिए होता था गो टू ने

और मैंने इस वेबसाइट पे जाके ना मैं उम्र की सीरीज और ने, ने, ताला आप आपकी का ये वाकई में देखिए साथ जुड़ना जो है ना ये हर मैं समझता हूँ जो बंदा भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस से गुजर है ना हैव टू कनेक्ट विद नॉलेज अदरवाइज पता क्या होता है वो फिर दोस्तों का गलबा पुरानी कंपनी उस चीज़ों में चला जाता है तो द मोर यू इंक्रीज यूर से नॉलेज आपके ऊपर ना एक रिस्पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यार ये मुझे पता चल गया अब मैं वापस नहीं जा सकता और फिर उसके अंदर जो कि आपको एक लजत मिल रही होती है और अल्लाह ताला ने आपके जन्नत का रास्ता आसान कर लिया होता है समुद्र की मछलियाँ भी आपके लिए दुआएं कर रही होती हैं तो यू you नो know, वो आपको ना प्रोपेल करती है मजीद मज़दीदीन में जाने के लिए अदरवाइज और... मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस जो है ना जो सीकिंग नॉलेज का ना मैं पर्सनली मुझसे सकता है कि दैट वॉज मोर लजत वाला देन टीचिंग मैं समझता हूँ कि लर्निंग का जो फेज है ना और अभी भी हम हम लर्निंग चल रही है मेरे जो लर्निंग के मोमेंट्स होते हैं ना शयूह की कदम बैठ के या सामने बैठ के एज अ स्टूडेंट दैट इज फार मोर स्परिचुअल एंड मैं ना उस आई आई जस्ट ग्रे फॉर इट सही बात रैन टीचिंग क्योंकि वो जो हदीस में आते हैं ना दुआएं करना है मछलियों का और ऊंची ऊंचियों का वो तालब इलम के लिए है।, है सही बात उसके लिए इतनी नहीं है ठीक है सो येस अगेन तोबा का जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला हुआ है इफ़ यानी वी कैन डू इट सो कैन यू इन वी हैड नो रिसोर्सेज़ लिमिटेड के साथ आपके पास अभी माशाल्लाह जरा मल्टीपल ऑफ़ इंस्टीट्यूट यूट्यूब लेक्चर्स मौजूद हैं

ऑनलाइन सुने रिसोर्स डेफिनेटली इस्तेमाल करें बट एटलीस्ट <laughs> ना आप कोई ना कोई क्लास प्रॉपर अटेंड करें बाकी मस्जिद में जो दुरूस हो रहे हैं आपके करीब वाली में वो अटेंड करें उसका इम्पैक्ट uh, बहुत डिफरेंट है देखो अब जो लज्जत है ना लज्जत जैसे आपने की न, हाँ। जन्नत की बात की ना दुनियावी जन्नत की कि जो उसमें दाखिल नहीं होगा एक हदीस में आता है कि जब तक एक इंसान तीन काम नहीं करता ना उसको दीन की लज्जत नसीब नहीं होगी ठीक है और ये बड़ी यूनिक और डिफरेंट हदीस है आबिर मन ला ला। जो अल्लाह की इबादत करता है विदाउट एसोसिएसिंग एनी पार्टनर्स विद हेम दूसरा ज़क़वा़ अदा करता है और ख़ुशी के साथ उसमें अलग मैंने डिटेल बताई कि किस किस तरह से अदा करता है तीसरी चीज़ कहा कि वक़् आप नफ्सा या ज़क़ आप नफ्सा के एक इंसान अपने नफ्स का तजकिया करता है तो जब साबा ने कहा रसुल्ला ये तज़िया तो नफ्स क्या होता है तो अलग में कहा कि वो जानता है व्यामोल्ला ताहू हाई सुखान कि अल्लाह उसके साथ है जहाँ भी वो है जब इंसान को ये फीलिंग हो ना कि मेरा रब मेरे शारक से करीब है और मैं उसके साथ लॉयल हूँ और मेरा रब मुझे मोहब्बत करता है और मैंने अपने कुर्बानियाँ देख के उसके पास आया हूँ so सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और अल्लाह सुबह लव्ज़ इट सो मच के हदीस में आता अल्लाह कि एक इंसान सफ़र कर रहा था और सफ़र करते करते उसने रेस्ट किया तो देखा उसके जो ऊंट था और अपने माल के साथ यानी उसमें फूड आइटम्स हैं पानी है कपड़े हैं ही लॉस्ट इज कैमल और वो भागते हैं भागते हैं भागते ढूंढते है, है सहरा में उसको अपना कैमल नहीं मिल रहा है एंड ही कम्स बैक डिसअपॉइंटेड डेवस्टेटेड कि यार अब वेटिंग फॉर इज डेथ और वो एक दरख्त के नीचे टेक लगाता है कि मैं अभी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन और आँख खोलती है उससे कुछ देर बाद देखता है उसका कैमल सारे माल के साथ सामने खड़ा हुआ है वो खुशी से चिल्लाता है कि या रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बंदे से ज़्यादा खुशी होती है जब कोई उसका भूला हुआ बंदा बंदी लौट के आता है यानी अल्लाह ताला ताल या इतने खुश होते हैं सो ये शैतान ने मैं क्यों बहकाया हुआ कि अल्लाह ताला ताल मैं किस मुँह से जाऊँ शैतान का आदमी सलाम से एक्सपीरियंस पहला था गुनाह तो करवा लिया मगर डिसअपॉइंट नहीं कर सका तोबा से आज़म ने कह दिया रबाना तो लेकिन शैतान ने फिर कहा कि अब ऐसी की तसी की नस्लों का मैं डिसअपॉइंट सो करते रहें तौबा करते रहें तोबा जब तक शैतान आपसे मायूस ना हो जाए इसमें ना जो आपने बात की ना हम अक्सर मायूस क्यों हो रहे होते बिकॉज हमें ना सही अल्लाह का तार्फ़ नहीं है हमने पहले भी एक दफे मैंशन किया है बिकॉज वी डोंट रियली नो अल्लाह हो अब अल्लाह के तेबा इस्तार से रिलेटेड चार नाम जो जल गफ़ूर अलगफ़ार तवाब और अलफू

और जब मूसा सलाम ने सबको इकट्ठे करते हैं और अल्लाह yeah. ताला उनको कहते हैं कि उस शख्स से कहो को इस बस्ती को छोड़ के चला जाए तो वो शख्स वहीं बैठे बैठे yeah. अपने 40 साल के गुनाहों की तौबा करता है नॉट जस्ट मैजिक कितनी देर लगी होगी उसको कपल ऑफ मिनट्स जो बंदा कहते हैं पंद्रह बीस पच्चीस कितनी देर लगी होगी फॉर रिपेंटिंग सिंसेयरली फॉर फोर्टी ईयर्स ऑफ सीनिंग और अल्लाह तला क्या होता है थोड़ी बहुत बारिश आती है एंड मूस सलाम कहते हैं अल्लाह ये कोई बंदा तो गया नहीं तो अल्लाह ताला नॉट जस्ट दैट यू नो वो कहते हैं कि मैं मूसा वसलम आज के अल्लाह तैयार कौन वो शख्स कौन है मुझे बताएं तो सही तो अल्लाह ताली कहते हैं कि मूसा जिस शख्स को मैं चालीस साल जिसके गुनाहों में पर्दा डालता रहा डू यू थिंक आई लु एक्सपोज इट एक्सपोज हिम टू यू नाउ एक्सपोज किसके सामने करना है अपने नबी के सामने किस को करना है चालीस साल वाले गुनागार को अल्लाह ताली कह रहे हैं मैं एक्सपोज नहीं करूँगा दैट इज़ द काइंड ऑफ हया एंड पर्दा अल्लाह अपने बंदों का रख रहे हैं अपने बंदों में किसी का जो इतना बड़ा गुनागार है जिसकी वजह से पूरी कॉम पे लाइक दिस दर सो मेनी लेसनस हेयर हम लोग तो शायद उतने बड़े गुनागार हैं भी नहीं हमारी अल्लाह ताला के सामने हया क्या हमें हया नहीं आती गुनाह करते हुए यू नो वी शुड यू नो थिंक अलॉन्ग दोज लाइंस के यार मैं जितने भी गुनाह कर रहा हूँ अल्लाह ताला ना वांट्स मी टू रिपेंट अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल भी जहन्नम में नहीं भेजना चाहता कोई सवाल ही नहीं पैदा होता mm. हम खुद जाना चाहते हैं तो वो अलग बात है वन सिंसियर रिपेंटेंस इज ऑल दैट वी नीड एंड दिस इज द बेस्ट मंथ ये अब आगे yes. आ रही है टाइम कि हम लोग ना अपना एक ना जस्ट डिटर्मिनेशन तो हो पहले इरादा तो करें एडमिटेंस तो हो गया यार मैं गलती करता रहा हूँ चाहे छोटी बड़ी रिगार्डलेस ऑफ दैट अल्लाह तदी से कुछ सी है जो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरा बंदा उम्मीद के साथ आ, और सिंसेयर तौबा के साथ मेरे पास आता है तो मैं आई रिमूव ऑल ऑफ हिस सेंस और जिसके गुनाह ज़मीन से लेके आसमान के चोटी तक होते एंड एंड में आते ला उबाली एंड आई डोंट केयर आई डोंट केयर आई डोंट केयर हाउ बिग योर इज हाउ हाउ मे योर आर यू नो सुबह अल्लाह ताला इट्स नॉट हमारे जहन में होता अच्छा मैंने बड़ा गुनाह किया और अल्लाह से माना तट्स आल देट के आर इफ यूर टोबा सेंसियर दैट्स इट इट्स ऑल क्लियर आप क्लीन स्लेट एंड यू कैन स्टार्ट अगेन एंड देन उसके बाद जो हम बातें कर रहे थे कि कंसस्टेंट रहना अच्छी कंपनी तलाश करना इल्म से जुड़ना इन शीज़ें बहुत वो फुज़ैलब नयाज़ का वाक्य भी आता है ना अबू अली रहमल उनका निक नेम था वो जा रहे थे तो एक बूढ़ा शख्स था बैठा हुआ टाइम वेस्ट करा अपना तो वो उसके पास गए और कहा कि हाउ ओल्ड आर यू तो अराउंड सिक्सटी था वो तो कि अच्छा आपकी तो अल्लाह से मुलाकात पे बड़ी करीब है क्योंकि हदीस में आता है कि यानी मेरी उम्र की जो एज है वो अराउंड साठ सत्तर साल है एवरेज एज यानी योर इन योर एट द एंड ऑफ योर लाइफ उसको सासास हुआ कि मैं अल्लाह से बड़ा करीब जल्दी मिलने लगा हूँ तो उसको जब रियलाइज़ हुआ ना वो रोना शुरू हो गया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं सारी ज़िंदगी ज़ाय कर दी रोने शुरू हो गया क्या करूँ मैं मुझे बताएं फज़ल फिर न्यायाज कहते हैं आह सनफीमा बक़िया यकल्हल का मा मजा आने वाले दिन बेहतर कर लें अल्लाह पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा सो so, मेरी एडवाइस अपने लिए भी यही है सबके लिए कि अहसन सिफी में बकरिया रमज़ान के तेरह चौदह दिन रहते हैं इनको अच्छा गुजार लें आने वाला साल अच्छा गुजार रहे यानी अपनी ज़िंदगी आने वाली बेहतर कर लें य का मा मजा अल्लाह तब पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं उसे तो कौन कहना है जैसे आपने कहा और सुबह जो जो शख़्स यानी मेहदी का वाक आता किताब ने, ने, ने है किताबों तवीन जितने कुदामा लेके आते हैं कमाल वो बड़ा अयाज था और सब कुछ एक दफा खातन को लेके आया गया था एल्कोहल एक वो तो उसकी जो ग़ुलाम खातून थी ना वो बड़ी कंसर्न थी उसके बारे में शी वज मोमिना एंड शी यूज थिंग आई कैसे इसको चेंज करूँ जो जितना गुनाह में पड़ गया था मुसलमान तो एकदम औरत को लेके आया एंड ही वॉज़ अबाउट टू एडल्ट्री तो उसने क्या किया एक कोयला गर्म की आग पे और मेहंदी को टांग पे लगा दिया तो वो चीख चीखा चलाया और गाली गलोच गया तुम पागल हो गई हो तुमने क्या किया है और सारा अचानक से उसका जो शहव थी वो भी टूट गई और जो स्किन जो जल गई तो वो कहती है जम रहो तुम मिनारे दुनिया दोनिया फतस नाओ बिना आख़िर ये दुनिया का कोयला है तू इसको बर्दाश्त नहीं कर सका आखिर ते कोयलों में जब तू गिरेगा तो किस तरह बर्दाश्त करेगा जब अल्लाह तला दिल खोल दे तो वो कांपने शुरू हो गया उस लड़की को घर भेजा और तौबा की और फज़ैलब अयाज़ रहा और एक और, और आलम दीन थे वो कहते हैं कि जब एक इंसान अल्लाह के लिए एक सैक्रीफाइस करता है तो अल्लाह ताला तो उसको बहुत कुछ बेहतरीन अदा करता है चलो मेहदी के पास चलते हैं ऐसे पूछते हैं कि क्या किया इसने अल्लाह अल्ला ने क्या मिला अल्लाह की तरफ से तो जब से पास गए तो कहते हैं कि तूने ये छोड़ा अल्कोहल अयाशी छोड़ी तुझे क्या मिला तो कहता है कि अरिदा बिमा नाफ़ी मैं राजी हूँ मैं इतना सेटिसफाइड हूँ मेरा दिल इतना सकून में है की यानी कोट एंड कोट मोसीकी रुकी गज़ा नहीं थी कुरान रुकी है आई एम लिविंग अ पीसफुल लाइफ सफान अल्लाह सो अल्लाह अकबर अगर हम इस चीज़ों पर आएं जब भी कोई फाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से आ, बस यही है कि रमज़ान का महीना चूंकि अब आ, अपने हाफ वे लाइन तो हम क्रॉस कर गए हैं अभी कुछ खास हमारा जो आखिरी अशरा जो आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा कि जितने भी लोग हैं अगर रमज़ान के महीने में आप चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप कब करेंगे बिकॉज़ ये वो टाइम है अल्लाह की तरफ से कि जब अल्लाह ताली की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं और जहनम के दरवाजे बंद हैं और ऐसी रात आने वाली है जो हज़ार महीने से बेहतर है तो इन पूरी कोशिश करें कि इसमें मेक द बेस्ट ऑफ इट और वही बात है कि प्लान इस तरह से करें कि मैंने अपने ना गुनाहों को माफ़ करके ही निकलना है इस महीने से बाहर क्योंकि असल ईद तो उसी की है ना जैसे हमारे भी बयान करते हैं कि असल ईद तो उसी शख्स की है जिसने अपने गुनाहों को बख्शवा लिया असल में ईद उसकी नहीं है जिसने नया जोड़ा ले लिया तो हम ये देखें कि जो भी मेरी गलती है तो मैं होमवर्क देता हूँ अपनी ऑडियंस को के अपने अंदर से ना तीन कोई ऐप आइडेंटिफाई कर लें जस्ट तीन चार पाँच छः सात आठ नहीं mm -hmm. जस्ट तीन कोई अपने ऐप बताएं कि मुझे एक ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है एंड लेट्स गो आफ्टर इट बिकॉज कभी भी जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना तो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है mm -hmm. तो अगर आपका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ तो आप इलाज कैसे करेंगे आपको पता ही नहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है या आप ऐसी किसी डिलूजल हो आपके आपको पता ही नहीं मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ना अपने बारे में अपना रेडार सही करें कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है मे बी आप कहते हो मेरा इशू शहवत का है मे बी मेरा इशू ये है गुस्सा बहुत आता है मे बी मेरा इशू ये है कि मुझे जलसी होती है मैं उस जलसी में गरीबें करता हूँ या चुगलियाँ करता हूँ या मैं जो हूँ ना फॉर एग्ज़ाम्पल काम चोरियाँ करता हूँ कुछ भी हो सकता है सो so, या मेरी नमाजें नहीं पूरी जा रही या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान को टाइम नहीं देता कुछ भी हो सकता है आप उनको आइडेंटिफाई करें तीन टॉप थ्री प्रॉब्लम्स आप उनको लिखें

आम आल सालिया करने तो आपने ये गोल दिया कि अभी भी टाइम वैसे यानी पूरा नहीं हुआ यानी आप सोच लो कि अभी भी रमज़ान है समझ समझाइए मतलब इट्स नॉट ते एक कि रमज़ान खत्म हो गया ओ माई गॉड इट्स ओवर नो यू स्टिल हैव टाइम आप कहते हो चलो आखिरी जुज़ मेमराइज़ करता हूँ आखिरी जुज़ में से कुछ सूरतें मेमोराइज़ कर लेता हूँ सुरा रमान जो ना मेमोराइज़ करता हूँ सूह यासिन करता हूँ एनी जो आपको अच्छी लगती है सुरह और ये इसलिए कर रहे हो कि मैंने नमाज को इम्प्रूव करना है अपनी राइट सो ऐसी चीज़ें आप जरूर सोशल मीडिया पे शेयर कर दें इन द होप्स ये नहीं कि आप शो मारना चाह रहे हैं लेकिन इसलिए कि यू नो कोई मेरा पार्टनर बन जाए इसमें तो किसी फ्रेंड को साथ जिस तरह जिसमें कहा ना कि आप दोनों जब चेंज हुए तो यू you नो know, कोई पार्टनर हो ना तो बहुत हेल्प होती है मैं आपको अपनी स्टगल का बता रहा था मैं अकेला लगा हुआ था एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट दैट वाज यू नो ट्राइंग टू मेक इट टू एवरी सिंगल टॉक एंड देन यू यू नो नो लिसनिंग टू ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मेरा कोई भी आवर जो था ना वो गुजरता नहीं था इसके बगैर लेकिन जब कंपनी होती है ना फिर इंसान समझें कि वो ऑन स्टेरॉयड हो जाता है फिर समझो कि उसको टर्बो लग जाता है फिर तो समझें कि आपके पार्टनर बन गया तो वो आपको चेक कर रहा है आप उसको चेक कर रहे हो एंड फिर मुझे मेरे यानी मोहल्ले में एक भाई मिल गए जो फजर की नमाज पर पिक करते थे यानी पिक एंड ड्रॉप था तो ये था कि फजर की नमाज़ में सोना मस्जिद में ऑप्शन ही नहीं था बिकॉज इधर आई टू पिक वो हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि जी तीन दिन मेरी बारी है वो करके तो, तो, तो पॉइंट इज आप अपने कुछ ऐसे गोल्स भी रखें जो पॉजिटिव गोल्स हैं वो बिशा किसी के साथ शेयर करें

जा रहा है बिकॉज अगर आपने फजर ट्रेन को लीड किया है और आप कैप्टन थे देखें हाउ मेनी ईयर्स एफ पास बाय राइट कितने ईयर्स लगे और वो वो लोग जो शुरू हुए थे वो आज तक लगे हुए सो अलहमदिल्ला इंकरेज पीपल रमजान का महीना है लेट्स गेट गोइंग लेट्स ग... इंकरेज पीपल जितने लोग आपकी वजह से इंकरेज होंगे सारा क्रेडिट आपके अकाउंट में तो इनशाला एक्टिव हो जाए इट्स नॉट ओवर येट द फाइट इज ऑन डू द बेस्ट इनशाला बोला है। आप उसको किसी और सवाल में बोल दे। मैं बोली। वो प्लस वाँगी। प्लस ठीक <laughs> ठीक <हो> <laughs> <अज़ार। laughs> है है मेरे मैं नहीं क्या फाइनल वर्ड्स होने चाहिए यार तो बस आपकी से एक चीज याद आई कि वो आपने कहा था ना डोंट एक्सपोज ये कुल्लू उम्मती मुआफा मेरी सारी की सारी उम्मत को माफ कर दिया जाएगा एक्सेप्ट दोज हु पब्लिसाइज जाहिर यानी अल्लाह ताला ने रात को पर्दा डाला था हमारे गुनाहों पे और हमने सुबह यानी पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे या स्टोरी डाल दी कि गाइस आई वाज पार्टिंग एट दैट क्लब और दिस क्लब और इन लोगों के साथ हमें ठीक है सो ये बिल्कुल भी काम ना करें और ये बात जान लें कि हमें से हर बंदा फिसलेगा का hmm. रिलैप्स होगा hmm. हदीस में आता है लम तुध ना बेकुम अगर तुम गुनाह ना करो अल्लाह ताला तुम्हें ले जाएगा यानी तुम्हें खत्म कर देगा वाजाकुम बेकॉम ऐसी कौम ले के आएगा जो गुनाह करेंगे और फिर तबा करेंगे यानी नो इसका मतलब ये नहीं कि हम धड़े से अभी आज के बाद गुनाह करें इसका मतलब ये है कि अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह के सामने तोबा करें और हर बंदा गुनाह करता है बस डोंट लेट शैतान रिसीव यू कि नहीं मेरे इतने गुनाह हो चुके हैं आपसे सौ कत्ल तो नहीं हुए ना सौ कत्ल हमने किसी ने नहीं, नहीं किए ठीक है और कत्ल जना से बड़ा गुनाह है जिसके सौ कत्ल थे उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया उसने सिर्फ कंपनी चेंज की और अल्लाह से सिंसियरली तोबा की तो इन इस पुरफितन दौर में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और अल्लाह ताला, ताला खुद कहते हैं कि आइंदा अफवानी आप दी भी मैं अपने बंदे गुमान के मुताबिक हूँ इफ़ वी थिंक अल्लाह हमें माफ़ कर देगा इन अल्लाह ताला में बचा लेगा अच्छा। मैं सिंसियर था सन्सियरटी इज़ अ क्राइटेरिया क्राइटीरिया इन शाला तमाम गुना माफ़ कर देगा बल्कि सिर्फ माफ़ नहीं करेगा जैसे मुसीब ने कहा कि युबर सयातम हसनात और uh, सुबह हमारा दिन ब्यूटीफुल है अल्लाह लव ये जो सत्तर माओ वाली हदीस है वो ज़यीफ़ है अल्लाह hmm. ताला हमें इस कायनात की तमाम माओ ah. से प्यार करता है सो ही इज़ वेटिंग फॉर अस ही इज़ देयर कैन बी देयर कैन बी नो टाइम बेटर देन दिस रमज़ान एस्पेशली द बेस्ट बेस्ट पार्ट इज़ कमिंग इन अ फ्यू डेज अल्लाहु अकबर गेरा बेस्ट गेरा यस अपने स्लीव्स ऊपर कर लें हज़ार महीने से बेहतर

तो हमने कहा कि हम साख पे तो बिल्कुल भी नहीं करना किसी इवन नाइट पर करना है तो उन्होंने कहा था तो हाँ अभी रमज़ान की सारी रातें हैं किन चीज़ों के यानी जो ग्राउंड्स हैं क्रिकेट ग्राउंड्स फ़ुटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड्स मैंने कहा नहीं ताख रातें भी

और कुरान को पढ़ें और तर्जमा पढ़ें और अपने आप से पूछें मैं इस पर अमल हूँ या नहीं एंड दैट इज़ द टाइम यू विल लव इट इन शह ताली